नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। अयोध्या में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो है आप लोग सर्च कर रहे हैं अयोध्या में होटल के लिए, अयोध्या में रूम के लिए आप लोग सर्च कर रहे हैं कि क्या चार्ज, कम से कम चार्ज में आप होटल ढूंढ रहे हैं और आपको बढ़िया सुविधा कहां पर मिल जाती है और काफी कम रेट में मिल जाती है। ऐसे ही धर्मशाला में आपको लेके आए हैं जहाँ पर आपको एसी रूम भी काफी कम रेट में अवेलेबल हो जाते हैं। चलिए एक बार हम पूरा रूम यहाँ का विजिट कराएंगे और यहाँ के ओनर जो है या यहाँ के जो मैनेजर है उनसे हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे क्या यहाँ टैरिफ रहता है। इससे पहले हम दिखाएंगे जानकी वर विहार कुंज है जो जानकी माता का, तो चलिए पहले हम चलते हैं अंदर, आपको लेकर बात कराएंगे और अंदर से आपको जब हम ले चलेंगे तो पूरा हम दिखाने वाले हैं नज़ारा। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, प्राकृतिक का एक बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। तो चलिए हम अंदर की तरफ आपको लेके चलेंगे और कैमरामैन से कहेंगे हमारे साथ में आए। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर गेट से एंट्री करते हैं काफ़ी बड़ा पुराना महल की जैसे दिखाई देता है और यहाँ पर ये श्री जानकी महल ट्रस्ट है का कार्यालय है। यहाँ पर हम चलेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे और फिर यहाँ के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। तो जय श्री राम। तो दोस्तों जैसे आप लोग देख सकते हैं हम लोग जानकी महल ट्रस्ट में हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं क्या कितने रूम के चार्जेस हैं, क्या अवेलेबल है, क्या रूम के चार्जेस रहेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ रूम ही नहीं सस्ता है, यहाँ का खाना एकदम शुद्ध होता है, जो शुद्धता का ध्यान रखा जाता है और यहाँ की जो थाली है वो मात्र 50 रुपये में ये समझ लीजिए पूरा खाना आपको मिलता है, जो शाम को और सुबह के टाइम दोनों टाइम आपको मिलता है मात्र 50 रुपये में। और जो खाना आपको यहाँ मिल जाता है जो शुद्धता के साथ मिल जाता है वो बड़े बड़े वीआईपी होटल में नहीं मिलता है। यानी कि रूम भी यहाँ 1200 रुपये में और खाना भी आपको बहुत ही कम दाम में और बहुत ही अच्छा और शुद्ध खाना आपको, प्योर खाना यहाँ पर मिलता है। क्योंकि मंदिर का ये परिसर है, आप देखेंगे बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ का है, बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। अभी साफ़ सफाई का समय है इसलिए यहाँ पर बाहर से लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है। आपसे हम जानना चाहेंगे ये जो खाना है खाने में क्या क्या दिया जाता है यहाँ पर? यहाँ पर चावल, दाल, सब्जी, रोटी, पूरी, खीर ये सब मिलता है। 4-5 आइटम का सब्जी मिलेगा, पापड़ मिलेगा, ओकरा बाद नमक मर्चा हर चीज मिलेगा। हर मतलब खीर भी दिया जाता है साथ में और 4-5 आइटम दिया जाता है। 4-5 सब्जी मिलेगा, 4-5 आइटम पूरी मिलेगा, सब्जी खीर मिलेगा। अच्छा, ये सब आइटम मिलता है, कभी खीर है, कभी तस्मई है, कभी सेवई है। अच्छा, ये खाना जो दिया जाता है थाली का ये एक आदमी के लिए काफी होता है, कभी कभी 2 आदमी भी उसमें खा लेते हैं। हाँ हाँ, 1 आदमी 2 आदमी भी खा सकते हैं। आपका 50 रुपया में पेट भर मिलेगा, चाहे जितना आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 50 रुपये में आप लोग कितना भी खाना चाहें, आपको जरूरत पड़े तो और दोबारा भी आप ले सकते हैं। दोबारा तिबारा जब चाहिए। और आप लोग देखेंगे तो बहुत ही सुंदर है ये, और अयोध्या में होटल आप सर्च कर रहे हैं तो इससे बढ़िया आपको चीपेस्ट ऑप्शन, अगर आप सर्च करते हैं तो चीपेस्ट ऑप्शन इससे ज़्यादा कोई मिलने वाला नहीं है, इससे ज़्यादा आपको सुंदर कोई जगह नहीं मिलने वाली है। आप लोग यहाँ के ये समझ लीजिए रेस्टोरेंट का एरिया देख रहे हैं, इतना नीट एंड क्लीन है, तो यहाँ के रूम और यहाँ के जो कमरे हैं उसको भी आप समझ सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं और आगे आपको और दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको नीचे दे देंगे तो आप कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर रूम बुक करा सकते हैं। आपके यहाँ हमने सुना है कि करीब करीब 200 रूम अवेलेबल है यात्रियों की सेवा के लिए, और ये भी कहा जाता था कि काफी कम खर्चे में काफी कम रेट में आप लोगों के यहाँ बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है और एसी रूम भी आपके यहाँ इतने मिनिमम चार्ज में है कि आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि अपने पास जो रूम है लगभग 200 रूम है। 200 रूम करीब। और चार्ज क्या होता है एसी रूम के, चार्ज क्या होता है यहाँ पर लगभग? एसी का 1200 रुपये। एसी का 1200 रुपये, मात्र 1200 रुपये में आपको एसी रूम यहाँ पर मिल जाता है। बहुत ही अच्छी साफ सफाई है, आप समझ सकते हैं कि मंदिर का प्रांगण है ये, और यहाँ पर आपको मात्र 1200 रुपये में एसी के रूम पे आपको सुविधा मिल जाती है, एसी के रूम की सुविधा मिल जाती है जो कि पूरी अयोध्या में आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये जानकी महल जो ट्रस्ट है, जो ये धर्मशाला कह सकते हैं एक तरीके से आप होटल भी कह सकते हैं, अयोध्या के किसी भी होटल में 200 रूम नहीं अवेलेबल है।
बात की जाए जानकी महल अयोध्या का एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर 200 कमरे अवेलेबल है और एसी रूम मात्र 1200 रुपए मिल जाता है। और नॉन एसी क्या रेट है आप लोग सोच के चौंक जाएंगे, नॉन एसी के क्या रेट रहता है? 400 मात्र 400 रुपए में नॉन एसी है, 1200 रुपए में एसी है। तो चलिए आपको हम एसी वाला रूम भी दिखाएंगे। जो आपको हम रूम दिखाने जा रहे हैं, काफी रूम यहाँ पर अवेलेबल है, जय श्री राम। और दिखाएंगे यहाँ पर जो रूम है आपको किस तरीके के हैं और यहाँ जो लोग आए हुए हैं उनको कैसा यहाँ पर लग रहा है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे, देख सकते हैं आप ये जिस तरीके का रूम है। और आप लोग कहाँ से आए? रांची से आए। अयोध्या आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। दर्शन अभी किए हैं आप? हाँ, कर चुके हैं। कितने दिन हो गए आए हुए? परसों ही आया। परसों आप आए हैं, और कब तक रहना होगा? बस आज ही वापस जा रहे हैं। अच्छा, आज वापस जा रहे हैं कि अभी रुकेंगे? नहीं नहीं, बस सामान स्वेटर है, देख रहे हैं। अच्छा, निकल रहे हैं आप, गाड़ी में डालेंगे। और आपको ये रूम की जो सर्विस है कैसी लगी है आपको? क्या चार्जेस लिया गया? 1800 रुपए एक रूम का चार्ज है या दो रूम के? एक रूम का दो रूम का चार्ज 1800 रुपए है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का ये रूम है, काफी अच्छा रूम है, इस हिसाब से फैसिलिटी है और एसी भी दिया गया है। एसी चल भी रहा है। और जैसा कि आप लोग को मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, मैं कैमरामैन से कहूंगा आप लोग देखिए रूम को किस तरीके का रूम है और जिस कॉस्ट में आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। आप पूरी अयोध्या में ढूंढेंगे आपको इस कॉस्ट में अवेलेबल नहीं होगा, इस चीपेस्ट रेट में अवेलेबल नहीं होगा। और जहाँ पर आपको एसी की सुविधा दी गई है और काफी नीट एंड क्लीन है, आपको सुविधा कैसी लगी, सफाई कैसे लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और दर्शन आपने किए यहाँ पर? हाँ, इस मंदिर के जी, इन लोग तो दूर बार कर लिए। तो आपने कितने रूम लिए हैं यहाँ पर? और काफी अच्छे रूम है, इस रेट में आपको काफी अच्छे रेट में अवेलेबल हो जाते हैं।